हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बस अब आज ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं थोड़ा लेट ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज है रंधा पोहा, और मतलब बांसवाड़ा जिसको राजस्थानी में बोलते हैं। तो बांसवाड़ा तो कल है, शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी कल है, पर आज बनाने वाला दिन है, खाना बनाने वाला। तो आज बनाएंगे और कल फिर पूजा करके और फिर खाएंगे। तो वो वाला दिन है और बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हम तो ये वाला त्यौहार मनाते हैं तो इसीलिए। और वैसे हमारे दशा माता की पूजा भी चल रही है, तो दशा माता की मैंने पूजा कर ली है। तो देखिए, सुबह से बच्चों को स्कूल भेज के पूरा अपना डेली रूटीन का जो काम था वो करके और पूजा करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। और बस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में हमारा खाना वाना बनाने का प्रोग्राम, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, 11:30 के लगभग हो चुका है। तो मैं थोड़ा लेट ही ब्लॉग शुरू करी थी आज, तो चलिए तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आज मैं मतलब कि हम सब मिल के आज क्या क्या बनाने वाले हैं। आज बनेगा माल, और मैं अभी पेंसिल लेने से हम पकड़ रही हूँ। बस एक बार के लिए ऊपर आई थी मम्मा का कुछ चीज लेने, दिखा दूंगी ये। देखो माल की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम बनाना शुरू कर चुके हैं खाना कल के लिए, शीतलाष्टमी के लिए मतलब। और ये देखिए, यहाँ पे आटा लगा रही है प्रिया, और ये है मैदा का आटा जिससे मट्टी बनाते हैं, वो आटा है ये। तो मैदा को छान के और उसमें नमक, अजवाइन और थोड़ा सा तेल जिसको मोयन बोलते हैं वो डाल के और आटा लगा लिया है इसका। अभी हम मीठे पारों की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि शक्कर पारों के, जिसको हम राजस्थान में शक्कर पारे बोलते हैं। तो देखिए इधर मीठे पारों की तैयारी हो रही है अब, यानी कि शक्कर पारों की, और अभी आटा लगाने वाले हैं इसको। तो देखिए, हमारे बेसन ने थोड़ा घी एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि ऐसे अभी ऐसे लग रहा है कि घी इसमें कम है, लेकिन इसमें घी कम नहीं है। जैसे हम इसको सेकते रहेंगे और घी सोखते रहेगा बेसन। अभी हमारे अभी चाशनी नहीं बनी है और बेसन को दे दिया पकने के लिए, थोड़ा सा ये और पकेगा अभी। तो इधर मैं कर रही हूँ चक्की की तैयारी, बेसन सिका है और चाशनी भी बन रही है। और इधर देखिए, इधर प्रिया और जो आटा लगाया था वो देखिए, ये सब कुछ अभी बिल रहा है, बेसन का और मैदा का, और जो मीठे पारे थे वो भी बन रहे हैं, मतलब बिल रहे हैं अभी तो फिलहाल। फिर उनको तेल में फ्राई करेंगे। और ये देखिए, ये इस तरीके से इनको कट कर लिया है इस तरह से रोटी बना के, और इनको नाइफ से काट लिया है चाकू से। और ये देखिए, और इसमें रख देंगे, और ये थोड़ा सा हल्के से पंखे की हवा से, तो वो थोड़ा सा हल्का सा पंखे की हवा से सूख भी जाएंगे, फिर वो आराम से फ्राई हो जाएंगे। और मैं बस तैयारी कर रही हूँ, ये हो रहा है सब और बस हो चुका है लगभग। तो अब हम हमारी चाशनी को चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, चाशनी अभी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार पानी डाल के। तो मैंने ये कटोरी में पानी ले लिया है, और पानी में मैं चाशनी को डाल के देती हूँ। अभी तक चाशनी बनी नहीं है। तो देखिए, अब मैं इसमें ये चाशनी डाल रही हूँ और इसको हिलाते जा रही हूँ। और पहले हल्का सा थोड़ा सा इसको ठंडा करने के चक्रों में बंद कर दिया था, इसको और चला देते हैं इसको, और पकड़ते हैं इसको, क्योंकि गरम गरम में डालते हैं तो फिर ये ऊपर के बाहर आ जाएगा इस वजह से। तो देखिए, ये अब गाढ़ा हो चुका है और ये अब रेडी है। तो
अब इसको हम एक थाली में तेल लगा के और उसमें डाल देते हैं इसको, फिर इसको जमने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। और अब इसको हम इस तरीके से जमा देंगे। सबसे पहले ये बेसन वाले फ्राई कर लेते हैं। जिनको बटर पे बोलते हैं कई लोग। तो देखिए ये जम चुकी है, तो इनको कट लगा के फिर मैं रख देती हूँ वापस। तो मिठाई को कट कर लिया है बेसन की चक्की को, तो अब इसको निकालते हैं ऐसे। और ये देखिए एकदम सही तरीके से बन के रेडी है बेसन की चक्की। और ये देखिए, और ये तोड़ने के बाद में ऐसी लग रही है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनी है बेसन की चक्की का। तो भी ये तो कल जेबा था कि करके खाना है बच्चों को भी, सभी कोई मतलब कल पूजा होगी उसके बाद में खाना, तो इसको मैं इसमें स्टोर करके रख देती हूँ अभी। तो देखिए मैंने इनको रख दिया है और अभी इनको फ्रिज में रख देती हूँ मैं। तो देखिए ये फ्राई भी बना लिया है हमने फ्राई करने के, ये बनाते तैयार कर लिए हैं ये भी। और इसके बाद अब पकौड़ियाँ बनाएंगे हम। इधर देखिए पकौड़िया भी बन रही है और इधर पूरी का आटा डल रहा है। तो बस अब पकौड़िया बनाएंगे, पूरी बनाएंगे और भी कुछ बनाएंगे, अभी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो देखिए हमने खाना बना लिया है, बस सब्जी बनाना बाकी है, टमाटर को टेस्ट करना है। और अब लास्ट में हम इस कढ़ाई को मतलब कि ठंडा करते हैं, तो इसलिए तेल मैंने निकाल के और दलिया बना दिया है। इसमें दलिया बन रहा है अभी, मक्के का दलिया वो बन रहा है इसमें। तो मक्के का दलिया के लिए मैंने पहले पानी गर्म करा और मक्के का जो दलिया था वो इसमें डाल दिया है। और फिर उसके बाद में जो इसमें कचरा होता है वो मैंने छन्नी से निकाल दिया है। तो ये देखिए ये वाला कचरा वो मैंने इस छन्नी से ये निकाल दिया है। और बस अब बन रहा है हमारा दलिया, और ये बनते ही उसके बाद फिर सब्जी बनाएंगे और पूरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर सुबह पूजा करके और बाद में खाना खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए ये दूसरे दिन का क्लिप है और रात को हम खाना वगैरह बना के और फिर खा के सो गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने, नहा धो के मैं तैयार हूँ और बस अभी हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो बस चलते हैं। पूजा की थाली तैयार हो चुकी है और अब चलते हैं मंदिर। देखिए अब हम जा रहे हैं मंदिर पूजा की थाली लेके, और बस अभी पूजा करके आएंगे और उसके बाद ही सारा काम स्टार्ट होएगा। अभी पूजा मैंने कंप्लीट
चुके हैं और अब हम जा रहे हैं।